इस भयंकर सी गर्मी में झटपट बनने वाली लंच थाली की रेसिपी आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो भी हरे मूंग से। इस हेल्दी से लंच थाली को बना करके तैयार करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस झटपट वाली रेसिपी को ज़रूर देखिएगा। गर्मी में किचन में आपको घंटों खड़े रहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस रेसिपी को बना करके जब आप खाएँगे तो पेट भी अच्छी तरह से फुल हो जाएंगे। तो चलिए आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे गर्मियों का खास रायता तैयार करना है। तो इसके लिए हमें बिल्कुल ताज़ा दही लेना है। 1 कप मैंने फ्रेश कर्ड का इस्तेमाल किया है। दही जो है ना, खट्टी नहीं लीजिएगा। खट्टी दही लेने से ना ये रायता जो है ना बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो फ्रेश दही का इस्तेमाल कीजिएगा फ्रेंड्स। और अच्छी तरह से दही को हमें विस्क कर लेना है, फेंट लेना है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा, सफ़ेद वाला, और यहाँ पे काला नमक, ब्लैक साल्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक ऐड कीजिएगा। 1/2 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा का पाउडर, उसके बाद 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का मैंने इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पे ग्रीन चिली को भी बारीक चॉप करके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी दही थोड़ी सी खट्टी हो या फिर रायता बना रहे हैं तो उसमें 1 चम्मच पिसी हुई चीनी को ज़रूर डालिएगा। इससे दही भी आपके खट्टे नहीं होंगे और बैलेंस हो जाएगी चीनी डालने से। पर चीनी डालना यहाँ पे पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिएगा। तो मैंने यहाँ पे चीनी का पाउडर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल ली हूँ प्याज। तो प्याज को मैंने बारीक चॉप करके लिया है और इस दही में डालने के बाद अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो लीजिए, झटपट से ये रायता तो हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब आप चाहे तो इसमें तड़का लगाकर एंजॉय करें। जीरा और घी के साथ इसमें तड़का लगाए और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी रायता लगेगा खाने में। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो मैंने लिए हैं हरे भरे मूँग। जी हाँ फ्रेंड्स, तो मूँग को हमें भिगो करके लेना है। 3-4 घंटे के लिए मूंग को पानी में डाल करके फूलने रख दीजिएगा। जब मूंग अच्छी तरह से भीग जाएंगे ना और साइज़ में ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो आप इसकी रेसिपी जब बनाएंगे ना तो खाने में तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। तो चलिए अब हमें यहाँ पे मूंग को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। तो मैं मूंग को अच्छी तरह से पानी से वॉश कर ली हूँ। तो मैं यहाँ पे सारे मूंग का इस्तेमाल नहीं करूँगी, बस 1 कप मूंग का ही मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने वाली हूँ। फिलहाल हमें इसे साइड में रख देना है। अब गैस की तरफ चलते हैं। तो एक प्रेशर कुकर को गैस पे रख लेंगे गर्म होने के लिए। इसमें हमें डाल लेना है घी। तो मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप घी की जगह पे तेल भी ले सकते हैं या फिर बटर भी ले सकते हैं। उसके बाद 1/2 टीस्पून क्यूमन सीड जाएगा, ज़ीरा। फिर हमें यहाँ पे थोड़े से खरे मसाले लेने हैं, जैसे कि 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, और मैं 2 से 3 लौंग ले ली हूँ। आप चाहें तो दालचीनी का टुकड़ा और बे लीफ भी ले सकते हैं, तेज़पत्ता। उसके बाद मैं यहाँ पे प्याज ले ली हूँ मीडियम साइज़ का, और यहाँ पे 1 छोटे साइज़ का कैप्सिकम ले ली हूँ। इन सभी चीज़ों को वॉश करने के बाद अच्छी तरह से हमें लंबाई में कट कर लेना है। चलिए अब मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर में प्याज को डालकर भून ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा प्याज को हमें नहीं पकाना है। मीडियम फ्लेम पर प्याज को कलर चेंज होने तक और थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक भूनना है। जैसे ही प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा ना तो 1/2 टीस्पून यहाँ पर हमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अब हमें इसे भी भून लेना है। बिल्कुल अच्छी तरह से भून लीजिएगा और प्याज को अच्छे से सॉफ्ट कर लीजिएगा। देखिए प्याज जो है हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसी स्टेज पे हमें यहाँ पे मूंग को डालना है। तो मैं यहाँ पे 1 कप मूंग का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 कप मूंग को मैंने लिया है और इसमें ऐड कर दिया है। पर आप चाहे तो मूंग की मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हेल्दी रेसिपी आपकी भी बनकर तैयार होगी तो आप ज़्यादा मात्रा में भी मूँग को यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद में मैं यहाँ पर सूखी लाल मिर्च डाल हूँ और फिर मैं यहाँ पे कैप्सिकम को ऐड कर दी हूँ। तो लाल मिर्च और शिमला मिर्च को मैंने पहले नहीं डाला है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा लाल मिर्च और शिमला मिर्च को नहीं भूनना है। तो अब हमें इसे मिक्स कर लेना है 1 मिनट के लिए। देखिए कुछ इस तरह से। आप यहाँ पे चाहे तो टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून यहाँ पे जाएगा टर्मरिक पाउडर। तो 1/2 टीस्पून में यहाँ पे हल्दी का पाउडर ले ली हूँ। उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक जाएगा। तो आप अपने स्वाद के अनुसार यहाँ पे नमक ऐड करें। 1 स्मॉल टीस्पून हमें यहाँ पे डालने हैं मिक्स वेज मसाले। छोटे चम्मच से मसाले ऐड कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मसाला का हमें यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे चावल ले ली हूँ। तो चावल को मैंने वॉश कर लिया है पानी में अच्छी तरह से। तो 1 ग्लास मैंने चावल का इस्तेमाल किया है। 1 ग्लास चावल हमें लेना है और इस मूंग में डालने के बाद इसे भी हल्के हाथों से मीडियम फ्लेम पे बस 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है, तब तक जब तक कि चावल थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए चावल का। देखिए जैसे ही भूनिएगा ना 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे, तो चावल का कलर जो है ना ब्राउन आ जाएगा थोड़ा सा। उसके बाद हमें यहाँ पे 2 ग्लास पानी ऐड करना है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ ड्राई फ्रूट्स को ऐड करने हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे थोड़े से भुने हुए ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर दे रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कीजिएगा, पर ड्राई फ्रूट्स डालने से इसका स्वाद डबल हो जाता है। 1 चम्मच हमें यहाँ पे लेमन जूस भी ऐड करने हैं। अब हमें इसे एक बार और मिक्स कर देना है। उसके बाद हमें प्रेशर कुकर के ढक्कन को लगा देना है। तो है ना कितनी मज़ेदार रेसिपी दोस्तों, आप लोग भी झटपट से इस हेल्दी सी रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अभी फ़िलहाल हमें प्रेशर कुकर के ढक्कन को लगाकर हाई फ्लेम पे बस 2 सीटी आने तक इसे कुक करना है। चलिए 2 सीटी आ चुके हैं। अब मैं आपको ढक्कन हटाकर दिखाती हूँ। देखिए परफेक्ट हमारे राइस जो है ना खिले खिले बन करके तैयार हो चुके हैं। देख रहे हैं, ये मूंग का पुलाव भी आप इसे कह सकते हैं। तो हमारी ये मूंग का पुलाव बनकर के तैयार हो चुकी है, झटपट वाली रेसिपी है। तो चलिए अब इसे फटाफट से सर्व कर लेते हैं। तो है ना कितना बनाना आसान और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी आपकी भी रेसिपी बनकर तैयार होगी। इस भयंकर सी गर्मी में आपको घंटों किचन में खड़े रहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। और जाते जाते रेसिपी अगर आप सभी को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। तो चलिए अभी मैं आपको यहाँ पे एक दूसरी तरह से इसे गार्निश करके भी दिखा देती हूँ। ये तो एक तरह से मैंने इसे सर्व कर लिया है। अब मैं यहाँ पे एक प्लेट में निकाल ली हूँ इस पुलाव को, और ऊपर से जो हरे मूंग को हमने रखा था ना अलग से, उसे ऊपर से इस तरह से आप चावल के ऊपर में डाल करके और इस तरह भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रायते वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मस्ट ट्राई रेसिपी है दोस्तों। इस रेसिपी को फ्रेंड ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक आसान रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।